हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप मेरी हालत देख रहे होगे, वेरी प्रिटी लग रही हूँ मैं। तो मैं अभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ इस वीडियो में। मतलब ये वीडियो काफ़ी कुछ होने वाला है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। गॉड ब्लेस यू परी। एनीवेज, तो मैं अभी फेस वॉश करके आई हूँ, इसलिए ऐसी हालत हो रखी है। तो मैं अभी करवाने जा रही हूँ, पहले तो हेड वॉश, उसके बाद राखी है, कल ही है राखी। तो राखी के लिए राखी और जो भी गिफ्ट्स रहते हैं वो सब लेने जाएंगे। तो हेड वॉश कराने के बाद मैं एकदम बदल जाऊंगी। तो अभी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत जगह जाना है अभी बाहर, तो थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए हूँ मैं। राखी है, कोई मिल गया बाहर तो तो आई एम यूजिंग दिस क्रीम, ऑइंटमेंट है वैसे तो, ये क्रीम तो नहीं है। सो गाइस, कल राखी है। मेरे तो बहुत सारे भाई हैं, 1 2 3 4 5, तो आई हैव 5 ब्रदर्स, ठीक है, जिसमें से एक ही मेरे से बड़ा है, हम बाकी सब छोटे हैं। तो कल उनसे पैसे लेंगे अच्छे खासे, गिफ्ट भी देंगे उन्हें। मैं तो सोच रही हूँ सबके लिए डोरेमोन या शिनचैन वाली राखी लूँ इस बार। जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो, उसका नाम हरमन है, तो वो तो राखी पूरे टाइम डालता है, मतलब जब तक वो उतरने वाली कंडीशन में नहीं होती ना, वो जब तक डाल के रखता है। तो उसको ये वाली राखी देना बहुत फनी लगेगा कि उसको फिर वही डाल के रखनी पड़ेगी, बट देखते हैं। ओके, तो अब हम लगाएंगे सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन ना अच्छी बहुत है, तो इसने आपका टेक्सचर जो है, अगर आपकी फेस में अगर है तो ये इसमें क्लियरली दिखेगा। तो वैसे तो ये सनस्क्रीन ठीक है, मतलब ये जैसे मैं कोई इतना कुछ खास बाहर जा नहीं रही, तो ऐसे मतलब नॉर्मली ही जा रही हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ ये। पर अगर कहीं मुझे कहीं बाहर एक्चुअल में जाना हुआ हो तो मैं ये नहीं लगाती, वो उसके लिए दूसरी है, यूवी डॉक्स। यूवी डॉक्स जो सनस्क्रीन है ना, वो शिट, बहुत ज़्यादा खराब गई। जो यूवी डॉक्स सनस्क्रीन है ना, वो ये डर्माटोलॉजिस्ट की फेवरेट सनस्क्रीन है, पता नहीं क्यों, मतलब वो अच्छी तो बहुत है। ओके, तो सनस्क्रीन भी लग चुकी है। हाँ, तो मैं कही थी कि डॉक्टर्स की फेवरेट सनस्क्रीन यूवी डॉक्स है, मतलब ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। बहुत लेट नहीं आ रही इस बार फेस्टिवल सारे, राखी भी इतनी लेट और क्या बोलते हैं, दशहरा भी इतना लेट और दिवाली भी इतनी लेट। मुझे सबसे ज़्यादा दशहरा अच्छा लगता है क्योंकि वो एक ऐसा फेस्टिवल है जो सबसे ज़्यादा देर तक चलता है, मतलब कि जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, रामलीला वो होती है, वही कितने 10-12 डेज की होती है, ठीक है, और पहले से ही वो रावण बनने शुरू हो जाते हैं, तो मतलब वो फेस्टिवल सबसे ज़्यादा चलता है, इसलिए वो मुझे, वैसे भी मुझे वो बहुत अच्छा लगता है दशहरा, और फिर उसके बाद क्रिसमस। दिवाली अच्छी है, पर मुझे सबसे ज़्यादा दशहरा और क्रिसमस अच्छा लगता है। तो सारे फेस्टिवल अच्छे हैं पर ये दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा सा कंसीलर पता है जो कि क्रीज नहीं होता, तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मतलब ये मेरा कंसीलर जो है ना, ये मेबलिन का है, तो ये क्रीज हो जाता है, और अगर मैं सेट करूँ तो और ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको पता है जो क्रीज ना करे, सो यू लेट मी नो गाइस। ओके, मैं आपको दिखाई थी ना कि ये वाला ब्लश जो है बहुत अच्छा है, ये अच्छा है पर इसकी पैकेजिंग टूट चुकी है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगता था वो, और ये ज़्यादा भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बहुत थोड़ी देर ही रहता है ये। सो कोई अच्छी पैकेजिंग वाले ब्लश नहीं है यार, मुझे रेयर ब्यूटी की पैकेजिंग नहीं अच्छी लगती, ठीक है, तो मतलब लिक्विड या क्रीम ब्लश में कोई अच्छी पैकेजिंग, ऐसे क्यूट पैकेजिंग वाला
मुझे तो कोई नहीं दिखा। मुझे टू फेस्ड अच्छा लगता है, बट वो पाउडर ब्लशर जिसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगती है, वो पाउडर ब्लशर। सो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपको साफ दिख ही रहा होगा कि मैं स्ट्रेट बालों में कैसी लगती हूँ। तो ये सारा राखी का सामान ले लिया है, सब जो भी राखी भी ले लिया वो नहीं। और या क्या हुआ, सबका नाम सोनू है। देखो अब आगे आ जाते कि मुझे ही प्यार कर। उसको चोट लगी है क्या? तो ये सारी राखी लाया परी और मैं। ये सिर्फ मेरी और परी की है, अभी मम्मा जो लाई है वो अलग है। तो इसमें राखी और ये धागे भी बांधते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो ये राखी है और ये अलग से जो धागे डलते हैं वो है। तो ये देखो कितनी प्रिटी राखी है यार, बेबी ओ प्रिटी। तो ये सब है, इसमें क्या है? ओ वाओ, ये परी की है शायद, पर मैं अपनी अलग लेकर आई हूँ, सारी परी अपनी अलग लाई है। हम ऐसे निकाल रहे हैं कि किसकी कौन सी थी। तो मैं कह रही थी कि ये वो उधर भी पड़े हैं। तू उठा, मैंने उठाई तो मैंने भी उठाई, वो उठा तू उठा। तो मैं कह रही थी उसको, परी को, कि ये वाली जो है ना ये सबसे अच्छी और सबसे एक्सपेंसिव है, तो ये उस भाई को जाएगी जो सबसे ज्यादा पैसे देगा, जो कि हमें पता है, नहीं जो कि हमें पता है कौन सा भाई दे रहा है। तो ये मैं उसको बांधूंगी और ये वाली बांधूंगी। हाँ ये उसको जाएगी, ये बाकी भाइयों की देख लो, ये देखो ये बाकी भाई जो कम दे रहे हैं उन सब की पैकेटों में। और ये देखो रेड पैकेजिंग, इसमें ऐसा लग रहा है काटियर निकलेगा। तो ये वाली अलग कर दिया जो सबसे एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये सारी क्या है? ये वाली हम प्रैंक के लिए लाए हैं, इसमें प्रैंक करेंगे, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मल है, ये वो है जो थोड़े बहुत काट दियो, ठीक है काट दियो। मम्मी कहती कृष्ण जी के बने, कृष्ण जी लग रहे हैं आपको। ये तो ये सब वो भाई हैं जो ऐसे छोटे मोटे पैसे दे रहे हैं। तो बस बाकी सब यही ऐसे छोटे मोटे, और ये वो धागे है जो मैंने बताया था, घटिया सी है तो। ये भी ये सेकंड मेरे हैं, ये सेकंड भाई है जिसको जो ज्यादा पैसे देगा। फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा देगा ना, जो सेकंड। मैं ऐसे करती मेरे लिए सारी। चुप रह, तू भी ऐसे करती लगी। ये वाली भी अच्छी है, ये वाली मेरी चॉइस है, ये बहुत अच्छी लगी। चुप कर, मेरी है ये, मैंने। पर ये झूठ तो मत बोल भाई, ये धागों में मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ये सबको इक्वली जाएंगे। परी कर रही है डिस्क्रिमिनेशन, ये दो अलग भाइयों को डालेगी ऑरेंज, नहीं दो रेड है और तीन वो है, पांच भाई है ना, तो रेड वाले ये दो जाएंगे जो इसे ज्यादा पसंद है। नहीं जी, ऑरेंज ज्यादा पसंद है, वो दो कम पसंद है। हाँ, मैं इनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ये इक्वली सबको जाएंगी। राखी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मेरी ये वाली फिंगर कुछ अलग लग रही है बाकियों से, क्योंकि बताऊं इसमें क्या हुआ है, क्योंकि मुझे ये बदतमीज एंट ने काटा है मेरी फिंगर पे।